और ऐसा नहीं है कि ये बता रहा है, जो बड़े बड़े हैंडमेड बूफर होते हैं ना, मतलब कि जो 2,000 2,500 3,000 आराम से ये पाकिस्तान वाले पता नहीं हिंदू क्या करवा रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं हर वाला चल रहा है, सिस्टम पार देख रहे हैं गुरु। कितने ओ करते करते सो गए, देखो हमारे तो चाय वाला भी आ गया। कहने का मतलब ये कि स्लो में झटके मारे थे, तेज में तो तेज ही चलते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। तो भाई सारे मेरे भाइयों का राम राम। और भाई सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हमारी गाड़ी में चल रही है पीपीएफ का काम। तो इसका भाई बोनट अभी हम कर रहे हैं, फेंडर कर दिया, गेट कर दिया, थोड़ा सा हम बात बात करने लग गए थे, काम वाम कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। 2-4 भाई आ जाते हैं। इसका तो हमने क्वार्टर पैनल कर दिया। तो भाई इसका क्वार्टर पैनल कर दिया, ये वाला गेट कर दिया, ये गेट नहीं करा, ये फेंडर कर दिया। अब इसका बोनट करेंगे, देखो अब एक गेट कर दिया और एक गेट नहीं करा। अरे इसमें तो कच्चा दिख रहा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई, ये री शाइनिंग बिल्कुल साफ है भाई, कोई डॉट वोट नहीं है, कोई बबल नहीं है, कोई पानी का निशान नहीं है, बिल्कुल साफ। और उस्ताद ही कर रहा अकेले, क्योंकि जो करने वाले बंदे थे भाई उन्होंने दे दिया हमें धोखा थोड़ा सा, क्योंकि होली का त्यौहार है कल या परसों, तो भाई सब अपने अपने गांव चले गए तो अपने आप ही करनी पड़ेगी आज। कोई दिक्कत नहीं भाई, तो जितने पीस हो सकते हैं वो करेंगे उस्ताद। 1 2 3 3 4 पीस कर दिए हमने, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो उम्मीद है भाई 7-8 बजे तक जितना भी हो सके उतना काम करेंगे। 9 बजे तक रुकेंगे, क्योंकि सुबह जो है ना 11-12 बजे स्टोर दोबारा खुलेगा। और हमें उम्मीद है कल हमें एक ऑडियो सेटअप की, कौन उस्ताद कोई गाड़ी है हमारे पास कल है ना, हाँ तो भाई उसमें भी काम करना पड़ेगा। तो जल्दी जाएंगे 9 बजे, 2-3 घंटे जितना भी सोएंगे सो जाएंगे, काम तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि काम से कोई मजाक नहीं हमारा। अब इसका भाई बोनट साफ कर लेते हैं, बोनट पीपीएफ करेंगे, और जो भी काम करेंगे भाई जितना भी काम करेंगे 9 बजे तक वो मैं आपको दिखा दूंगा, फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे सुबह दोबारा। फिलहाल कर लेते हैं इसमें पीपीएफ। लो भाई पीपीएफ करते करते सुबह हो गए, देखो हमारा तो चाय वाला भी आ गया। तीनों भाई कर रहे हैं काम आराम से। वह भाई जो है एलबीएम हटा के रॉकफोर्ट P2 लगा रहे हैं, बढ़िया, मतलब थक रहे हैं, हालत ख़राब है लेकिन पेटी सेट। हाँ चलो लगा लो अपने, बच गया। अब आपको पोलो का आउटपुट सुनाते हैं, जैसा पिछले ब्लॉग में एलबीएम सुनाया था है ना। हाँ लगा लो तो अपने वैगनार में, इतने की वैगनार, इतने का एलबीएम है। तो भाई स्टोर बढ़ा दिया अब, और सुबह के बज रहे हैं भाई 8, अब देखते हैं कितने बजे आते हैं दोबारा वापस। दोनों भाई चलते हैं, ये देखो एक सिलेंडर में अभी 62 चल गई है, और CNG अभी एक डंडी है इसमें, मतलब 100 110 तो चलेगी अभी। सुबह का जो पीपीएफ का काम है लगभग कंप्लीट है, सारे पैनल पीपीएफ हमारे हो चुके हैं, जब जो है फिटिंग करने की तैयारी कर रहा है। और एक चीज़ है उसके बारे में बात बताएंगे, पहले भाई ये पेटी देखो आप एलबीएम की। अब ये भाई MK1 है, 1750 1750 जो हम डालेंगे यश की वर्णा में, बहुत एंड और बहुत तगड़ा सिस्टम बजेगा भाई। मुझे लग रहा है इस वर्णा से तगड़ी वर्णा मुझे ऐसा लगता नहीं दिल्ली में आसपास होगी, अगर हो तो भाई कमेंट्स कर देना, क्योंकि इतनी लाउड वर्णा बहुत आदमी कम जाते हैं कि सेडान गाड़ी में 1750। देखो पेटी देखो कितनी बढ़िया ऐसे, ये भाई 24 इंच है ऐसे भाई, शक्ल तो इनकी सेम ऐसी रहती है जैसे जूनियर की रहती है, लेकिन जो इसके नीचे की मैग्नेट है, मोटर है, कॉइल है, और मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बूफर है ना भाई, मुझे जिनके ये बूफर है उन्होंने ऐसा बताया कि कोई बहुत तगड़ा अच्छा ब्रांड है वो जो बूफर इस क्वालिटी में देता है वो आता है 1 लाख से ऊपर का, और ये भी भाई 40,000 का सिंगल बूफर आता है, तो बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा आउटपुट देगा। देखो कोई आदमी ऐसा देख के बता ही नहीं सकता कि भाई ये हैंडमेड है कि नहीं, हैंडमेड यहाँ से बताएगा बस। और ऐसा नहीं है कि ये बता रहा है, जो बड़े बड़े हैंडमेड बूफर होते हैं ना, मतलब कि जो 2,000 2,500 3,000 आराम से जाते हैं भाई, वो मशीन से नहीं बनते, वो सारे हाथों से बनते हैं, और इसीलिए इस पर इतनी ज़्यादा गम रहती है, पेस्टिंग रहती है, ताकि ये जो डस्ट कैप है निकल के भगना जाए, ये दिक्कत होती है। नहीं तो मशीन में जो बनते हैं ना, मशीन में बनते ही है जब 200 300 400 500 ये, तो भाई इनकी टेंशन रहती है, ये रहती है कंपनी, मतलब कंपनी का ये बनाते हैं मशीन, मशीन से बनते ही बनते हैं बल्क में, और ये बनते हैं भाई ऑर्डर पर। तो ये थोड़ा डिफेक्ट देखो, ये रहा 1200, तो ये रहा यार देखो, दोनों सेम है, ये रहा 1200 और ये रहा 1750। ये चीज़ है भाई, बहुत मज़ा आएगा हमें लगाने में भी, इसमें फिटिंग भी बहुत तगड़ी है,
इसमें हम इन्हें भाई चलाने के लिए डालेंगे इंटरफायर 3800, एक लिथियम बैंक डालेंगे जो हमने ब्रीजा में डाला था, बाकी भाई छोटा मोटा काम है, इसका भी फिनिशिंग हो जाएगी। और टाइम हो चुका है भाई 8:30, क्योंकि हम सुबह ही 8:30 बजे जो है घर गए थे, बाकी सारे पंडित जी सब बैठे हैं अपने और बाहर तो क्या अंधेरा। उस्ताद जीत रहे हो हार रहे हो पक्की बात है, लूडो देखो आईपैड में खेला जा रहा है। अरे गौतम तू जीत रहा हूँ 3-0 है तो मैं तुम्हें सुबह हरा के आराम से बैठा हूँ। 1-2-3 सबसे पहले हरा है। अरे मान जा पंडित जी, अभी 2 बार बहुत बुरी तरह हरा है तब मैंने, बहुत गंदी तरह चीटिंग करके भाई, चीटिंग कर तुम्हें पता तो ना लगी ना हमने चीटिंग। दो बार बची है, लेकिन मैं जीता हूँ पंडित जी, फिर भी मैं 2 बार जीता हूँ। हार गए उस्ताद, कैसा होगी फिर कट गई अभी बाकी है मैदान। अरे राजपुर गांव घूम रहा है, तीन अंदर और सुनो ये भी अभी कटिंग, ये भी कटिंग। नीली वाली किसकी है? नीली पंडित जी की। तुम्हारी एक ही बच रही हो और क्या? और सर तुम्हारी? मेरी एक अंदर एक येरी। यार पंडित जी जीत रहे हैं फिर तो। अरे जीते तो नहीं, हमारी लास्ट मुझे गुजरना पड़ेगा जीतने के लिए। चलो बच गए, बच गए यार पंडित जी। चलो मैं बताता हूँ भाई थोड़ी देर में कौन जीतता है। तो भाई स्विफ्ट के जो पीपे का काम है ना, हो गया हमारा सारा कंप्लीट, फिटिंग सारी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो बिल्कुल नई की तरह चमक रही है एकदम, मैं कह रहा हूँ नई से भी ज़्यादा चमक रही है, नई भी क्या चमकती होगी। बस बाकी सारी क्लीन है, और अपनी वरना में जो है ना भाई, जो सिस्टम मैंने हटाया था वो दोबारा लगा रहे हैं। तो इसमें अवतार का 4 चैनल और मोको 2500 पे चलाएंगे भाई हम, जूनियर जो हमारा रखा है। तो इसके फिलहाल तो फिटिंग मैं ऐसी करा रहा हूँ, क्योंकि आज छोटी होली है, तो 1-2 दिन से जो है ना बिना सिस्टम के चल रहे हैं, तो जुगाड़ वाला काम करा रहे हैं। फिर जब 2-4 दिन में जो है ना फट्टा लगा के फिर मोनो सेट करेंगे, जैसे हम हर गाड़ी में करते हैं। फिलहाल इसको लगाने देते हैं, फिटिंग होने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और जूनियर हमारा ये रखा, ये रहा। एक आध दिन पहले पोलो में लगाया था, उस्ताद को मज़ा नहीं आया, उस्ताद ने पोलो में लगा दिया मेरे ख्याल में पिटू, हाँ वो रखा है, वो लगाएंगे पिटू। उस्ताद कह रहे यार ये ज़्यादा धमधम करता है, मेरे को इतना पसंद नहीं है। चलो जी, अब इसमें छोटा मोटा सेटअप है, खाली दोनों एम्बू को फिटिंग करनी है। वायरिंग तो हमारी पहले भी निकल रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक भी यहीं कहीं पड़ा होगा, वो अटैच कर देंगे। फिर जब वायरिंग करेंगे ना, फिर भाई सिंगल वायर लाएंगे अच्छे से। तो भाई वरना में ना हमने जो है फिलहाल LVM लगा दिया है, जो कि हम चला रहे हैं मोको 2500 से। अब एक बार इसका आउटपुट सुन लेते, बेस तो खैर मुझे ऐसा लगता है ठीक ठाक आएगा, क्योंकि अच्छा बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा ब्रेकिंग हो जाएगा, नया बूफर है तो थोड़ा और अच्छा बजेगा। बाकी मैंने पैनल पहले भी कटवा रखे थे, सिलेंडर अपना ही रहा और पेटी अपनी हो रही सामने, ठीक है भाई। तो देखते हैं ट्राई करके कैसी आवाज़ आती है, वोकल तो अच्छी है, वोकल में कोई दिक्कत नहीं, बेस देखते हैं। चलो जी तरुण चौधरी चल जाओ। अच्छा बज रहा भाई, लो नहीं बज रहा है, लाउड ही बज रहा है, क्योंकि बूफर थोड़ा ज़्यादा उछल नहीं रहा, सेटिंग थोड़ी कम कर रखी नए बूफर के कारण। और अब बिल्कुल ही कोने पे चला गया उसका सिलेंडर, आ गया फिर फीट आ गई। तो जो एयरपास ये बना रखा हमने ये छोटा सा, इसमें से भी मिलने इतना ज़्यादा लग नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा एयर इसमें से निकल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे भी सेट करेंगे एक बार इंग्लिश गाना सुनते हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बम 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 आए, चेक करते हैं एक बार। पहले एंड मार, अरे नहीं एंड उस्ताद की, अब 3 अंदर होगी एक बाहर है, ऐसे माधीपुर के बदले ले जाएंगे। और हरोला वाला जो है हरोला फिर भी ठीक चल रहा है, 2 अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है। अच्छा तुम्हें छोड़ दो मेरा है पंडित जी, तेज हो रहे हो, तेज चल रहे, इन्हें बचाओ पहले, गंजी टाट। ये भैया ना हमारा दो लिए बैठा है यार, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा अच्छा चलो भैया, जैसे ये पाकिस्तान वाले पता नहीं हिंदू बोल क्या करवा रहे हैं, हमसे वाला प्यार है भाई। अरे पंडित जीत गए और क्या, ये कहां लूजरों पूजरों में उस्ताद कहा क्या थी, हम तो जीते बैठे हैं यार, हमने तो पंडित जी को वैसे ऊंचा दर्जा दिया, मंदे टाइम के, मंदे टाइम के जीते बैठे हैं। मंदे टाइम के जीत रहे पंडित जी, ओ भाई काम 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 कर दी मेरी, एक आया भाई, ऐसी भाई एक आया भाई, रुक जा रुक जा, मुझे
का हर वाला चल रहा है सिस्टम पार देख रहे गुरु दिखाओ यहाँ देखो पंडित जी हुआ है किंग पंडित जी हुआ है पंडित जी को वो बना रखा जो मैच में लड़के नाचती नहीं चक्कर लगने अपनी जो शिफ्ट है ना भाई इसका काम हो गया कंप्लीट मतलब पीपीएफ हमारी बिल्कुल खत्म इसमें कोई काम नहीं बचा हमारा बाकी मैं आपको इसको पास से भी दिखा देता हूँ भाई इसमें कोई बबल या निशान या पानी का निशान तो नहीं है देखो अपने आप देखते रहना भाई कहीं एक एक आध जगह हुआ तो हुआ नहीं तो पूरी गाड़ी साफ हमारी देखो और सबसे मेन रहता बोनट तो भाई बोनट पर तो बिल्कुल भी एक भी निशान नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मतलब बोनट जो हमारा बिल्कुल साफ है ये क्या भाई ये डस्ट है निकल गई आज तो हमारी वरना भी ज़्यादा गंदी हो रही है इसे वॉशिंग पे जाते हैं साफ वाफ करवा के लाएंगे इसे भाई स्विफ्ट तो अपने घर जाने लगी भूर आया लेना काड़ू है रही बात इस ब्रीज का कि भाई इसका सारा रैप उठाएंगे आज और जितना भी छोटा मोटा काम है वो करेंगे बाकी देखो होली के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं देखो मैं दिखाता हूँ अभी ये देखो एक बूफर तो फाड़ दिया नहीं सुना ये फाड़ दिया ये एक बूफर फट गया इसका और 84-90 जो है इसमें दिक्कत आ गई ये जा रहा टेस्टिंग दिखा रहा कुछ दिक्कत तो रही नहीं है मतलब साउंड की जो सेटिंग रहती वो नहीं खुल रही बाकी वायरिंग तो चलो अच्छी बात है बाकी पूरी गाड़ी में गुलाल कर रहा हाँ देखो बूफर सब गुलाल में देखो गाड़ी वहाँ देखो गुलाल ही गुलाल कर रहा था तो भाई स्टोर से आ चुके हैं अपनी वरना को लेके मौसम के पास इसमें क्या दिक्कत है ना ये भाई हल्के हल्के झटके मार रही थी गाड़ी मतलब जब स्लो पे चलती है ना जब 2,000-2,500 RPM या 200 भी जब कम RPM रहते हैं तो उसमें हल्की सी स्लो में मतलब कहने का मतलब ये है कि स्लो में झटके मार रही थी तेज में तो तेज ही चलती है उसमें दिक्कत नहीं आती तो इसमें जो मुझे ऐसा लगा और हमने चेक करा तो इसके भाई फ्यूज ख़राब निकले चारों काफ़ी टाइम से खड़ी है 10,000 किलोमीटर चली है 2-3 साल में तो फ्यूज मुझे लग रहा है रेडी हो गए सारे काले हैं भाई देखो सब चारों एक जैसे हैं तो उसमें भाई चारों जो अपने प्लग है वो चेंज करा दिए NGT के 180 रुपये का एक आया अब चेंज करा रहे थे दोबारा सेटिंग होगी दोबारा चलाएंगे फिर देखते हैं कैसे चल रही है झटके मारना हो सकता है अभी बंद ही करते हैं बढ़िया चलेगी क्योंकि फ्यूज कह रहा हूँ ये प्लग का बहुत मेजर रोल रहता है भाई CNG में पेट्रोल में तो फिर भी चल जाते हैं अगर ख़राब भी हो लेकिन अगर CNG गाड़ी में लग गई और फ्यूज ख़राब है तो वो परेशानी करेगी आपको झटके वटके मारती रहेगी अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड बाकी वरना में थोड़ी बहुत टेस्टिंग है अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है CNG में उसे ठीक कराएंगे अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत थी बाकी स्विफ्ट में जो PPF कर दी वो बढ़िया काम कर दिया छोटा मोटा ब्रीजा में काम चल रहा है रेड वाली में निश वाली में तो कोई दिक्कत नहीं भाई सारे काम आपको अगले ब्लॉग में दिख जाएंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें चैनल करें सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम जय बाबा की।